कब करके बैठे है ना भाई। सही, आज कड़ी बनाऊंगी। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वॉक की छुट्टियां होते हुए, तो मैंने सोचा चलो अब आज से वॉक भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा अब मौसम भी ठीक होने लगा है तो अब इतनी सर्दी भी नहीं लगती सुबह वॉक पर जाने में। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस वजह से हमने थोड़ा वॉक को अवॉइड किया था क्योंकि पॉल्यूशन भी था और अंधेरा भी रहता था काफ़ी देर तक। तो अब फिर से मैंने दोबारा वॉक स्टार्ट की है क्योंकि ये बॉडी के लिए भी हमारे अच्छी है। और मैं वॉक से आ चुकी हूँ और आज मुझे मिल गया खट्टा दही कढ़ी बनाने के लिए, तो आज कढ़ी बनाऊंगी। बस वॉक से आते ही फिर मुझे मिल गया चाय का ऑर्डर। बेटे ने भी बोल दिया मम्मा चाय पिला दो, हस्बैंड ने भी बोल दिया कि जी चाय बना लो जी। तो फिर मैंने बना ली है जी चाय, और उस चाय देने गई हूँ तो उसने मुझे बोल दिया कि मम्मी आज सैंडविच बना लो आलू की पिट्ठी भर के। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं बना लेते हैं। तो बस फिर फटाफट आलू वगैरह उबाले और मैंने उसको लिए सैंडविच की तैयारी शुरू कर दी। आजकल काम वगैरह मेरा थोड़ा जल्दी ही निपट जाता है वैसे, क्योंकि दीदी भी आई हुई हैं तो दीदी भी काफ़ी हेल्प करवा देती हैं काम वगैरह में, तो मेरे को थोड़ा ईजी हो जाता है। बस अब मैंने कढ़ी को चढ़ा दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हल्दी और थोड़ा सा धनिया और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। करीब एक घंटा तो ये पकेगी ही, इतना टाइम तो लगता है कढ़ी को पकने के लिए। और इसको पकने के लिए छोड़ने के बाद मैं अब करूंगी सैंडविच की तैयारी, और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा अच्छी तरीके से तब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो ये 10-15 मिनट में मेरे आलू ठंडे भी हो गए थे, तो मैंने उसके बाद फिर इसकी पिट्ठी कर ली थी और फिर मैंने सैंडविच तैयार कर लिए थे। दीदी भी नहा चुकी हैं और वो भी अब आ गई हैं, तो सब बैठ के एक साथ आज नाश्ता करेंगे। एक साथ तो पता नहीं नाश्ता कर पाएंगे या नहीं, पर मैं नाश्ता तो तैयार कर ही लूँगी सबका आज एक साथ। तो मैं भी देखो कैसी लग रही हूँ। अब तुम तो ऐसी हो ही, इंसान को ना नॉर्मल रहना चाहिए जैसे वो है। कोई सीरियल तो है नहीं, यहाँ लोग पूरा मेकअप वेकअप करके बैठे है ना भाई। सही बात है ना, बिल्कुल सही। मैंने भी अभी देखो कुछ बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई, अभी लगा लेती हूँ पहले। एकदम से आ गया, में कुछ नहीं होता भाई, उधर भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, कोई हर समय थोड़ी कोई सब रेडी सर धज के रहते हैं, तो नॉर्मल लाइफ है। चाय डाल दूँ है ना, रहने दो तो भी मैं। हाँ आपकी तो ठंडी हो जाती है जल्दी से, मैं डाल दूँ।
शायद मैंने राधे राधे नहीं करी किसी को, सामने बस बैठी जैसे। सॉरी जी, राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? हम भी यहाँ मस्त हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और फीकी नहीं है, चीनी डली हुई है इसमें, वही है ना, जहरीले इतने हो तुम कि तुम्हें लगती नहीं मीठी। तुम बहुत ना अंदर का जहर, वही तो मैं इनसे कहती हूँ अपने अंदर इतना जहर रखा है क्यों हमारे, तुम्हें चाय मीठी नहीं लगती, एक्स्ट्रा दो दो चम्मच चीनी डालनी पड़ती। दिन में कितनी बार चाय पीती हो? चाय कितनी भी बार पीते हो, नहीं पीते हो, एक बार में डाल लोगे क्या 10 चम्मच? डालू चीनी? कढ़ी तो रेडी हो गई है, अब फटाफट से मैं पकौड़ी बना लूंगी। जल्दी जल्दी कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी बनने ही वाली है, बस पकौड़ी डालनी है उसमें और झोंक लगना है। एक तो अच्छी भी लगती है और फिर ये है कि काम भी निपट जाता है जल्दी जल्दी। हाँ, और ये भी है जैसे पकौड़ियों में भी आप कुछ भी डाल सकते हो चीजें। आलू वालू भी डाल देते हैं लोग, तो बता थोड़ी को आलू डाल देते हैं। हाँ हाँ, तो आलू डाल देते। और पता है वहाँ पे जो ये होती है हम लोग लोबिया, हाँ इसको वहाँ पे रोंगी कहते हैं। हाँ रोंगी बोलते हैं तो वो इसी उसको कढ़ी में डालते हैं। अच्छा रोंगी, हाँ लोग कभी उन्होंने लोबिया की सब्जी नहीं खाई। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई तो वो हवलदार ने ताजी कड़ी देते गई ना, तो उसमें लोबी पड़ी गई। ताजी ये तो लोबिया है, कह रही हाँ लाड़ी है तुमने तो पकौड़ी तो हमने डाली नहीं, कह रही पकौड़ी में हम लोग यही डालते हैं, हम तो इसकी सब्जी बनाते हैं। कह रही अरे वो कैसे बनती है, तो मैंने बनाई तो दी उनको। है ना भाई, हमारा तो वीडियो कल जाएगा ना। बाय बाय, राधे राधे सभी को। और ये मेरा ये देखो 12 टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को, 12:05। हाँ, और ये मेरा 12:05 तक का सुबह से लेके अब तक का रूटीन है, ठीक है। इसके बाद का रूटीन मैं फिर किसी और दिन शेयर करूँगी आपके साथ। राधे राधे, बाय बाय। और अब खाएंगे हम कढ़ी चावल, देखने में तो ये अच्छी लग रही है, एक बार आपको भी दिखाती हूँ। कढ़ी सही बनी थी? अच्छी, सही खट्टी बनी है आज कढ़ी।